अच्छा देखें, हम लोगों को पता है कि फॉर एग्जांपल स्पेसिफिक सप्लीमेंट्स होते हैं, स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स वगैरह, स्पेसिफिक एलिमेंट्स वगैरह के लिए, ठीक है। आपको पता है कि आपके फील्ड के अंदर जो मोस्ट कॉमन चीजें वो क्या हैं? ऑर्गन्स या बॉडी की हेल्थ, उसके अलावा मैलन्यूट्रिशन, ओबेसिटी एंड अंडरवेट। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो स्किन हेयर एंड नेल्स, ठीक है, ये वाले केसेस हर बंदे के पास ही आते हैं ना, ये किसी किसी के पास आते हैं? सर ऑलमोस्ट सबके पास होते हैं ऐसे ही सेम। एग्जैक्टली। अब इन द फील्ड ऑफ न्यूट्रिशन लोग इन चीजों के बारे ज्यादा लाइक कंसर्न होते हैं कि वेलनेस प्लानिंग, उसके बाद होती है थेरेपीज एंड बल्कि तो लेवल टू भी। अच्छा, वेलनेस प्लानिंग हो गया, आपके जो आ जाते हैं जीआईटी इश्यूज, इसके अंदर आ गया कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, एसिडिटी एंड रिफ्लक्सेस, हार्ट बर्न, इंसोम्निया, राइट। रेडिएशन एक्सपोजर, डिहाइड्रेशन, ये वाले इश्यू सुने हुए हैं? पहली दफा तो नहीं सुन रहा ना कोई भी बंदा? अच्छा, जी सर सुने हुए हैं। कि एक बंदा अगर हमारे पास आता है, फॉर एग्जाम्पल कोई रैंडम डिजीज पकड़ ले कि यार हमें जी ठीक करना है, जो कि बहुत हॉट टॉपिक है, वेलनेस प्लानिंग को बहुत हॉट टॉपिक है, ठीक है, और इसके अलावा जी जीआईटी इश्यूज का भी बहुत हॉट टॉपिक है वैसे, बल्कि सारे हॉट टॉपिक हैं। हम खैर स्किन एंड नेल्स की बात करें, हम लोगों ने ऐसे कौन से कॉम्बिनेशंस लोगों को प्रोवाइड करने हैं जो कि उनको ऑल इन वन चीजें दे सकें, ठीक है, उनको चंक्स में ब्रेक करना स्टार्ट करेंगे कि ना, आप लोगों ने मतलब कौन से वाले इश्यूज के लिए कौन सी वाली चीजें देनी है, किस किस तरीके, कोई भी रहने को रहे। देखें स्किन एंड नेल्स, देखें स्किन हेयर एंड नेल्स के अंदर क्या मसला होता है कि आपकी या तो स्किन खराब होना शुरू हो जाती है, ठीक है, उसके अंदर मतलब 50 डिफरेंट किस्म की बीमारियां हो सकती हैं, ठीक है, जैसे कि कुछ के नाम अगर मैं लूँ तो ये हो सकता है कि आपकी रफनेस आ रही है, ड्राइनेस आ रही है, पैचेस आ रहे हैं, आपके स्पॉटिंग आ रही है, आपकी एक्ने आ रही है, आपकी रिंकल्स आ रहे हैं, फाइन लाइंस आ रही हैं, आपके जो है ब्लैक हेड्स आ रहे हैं, व्हाइट हेड्स आ रहे हैं, इस टाइप की कोई भी बीमारी आपकी स्किन के अंदर आ सकती है। हेयर के अंदर हजारों किस्म की, 50 से ज्यादा बीमारियां हेयर के अंदर आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल उसके अंदर
हम आ जाते हैं ड्यूल नोडेड हेयर आ जाते हैं, स्प्लिट एंड्स आ जाते हैं, ड्राई एड्स आ जाते हैं, ग्रे हेयर आ जाते हैं। ये लिखने की जरूरत तो नहीं है बीमारियों के नाम। जी सर, जी सर, क्या लिखूं या ना लिखूं? नहीं सर, रहने दे। ओके, तो पैची हेयर, ग्रे हेयर, स्केली हेयर, ठीक है। इसके अलावा फिर हमारे पास आ जाते हैं कि ट्रैप हेयर फॉलिकल के अंदर मतलब जो होते हैं, फिर हेयर फॉल आ जाता है, हेयर ड्रॉप आ जाता है। उसके अलावा फिर हेयर के डिफरेंट मतलब वो आ जाते हैं शार्प नोडल हेयर्स आ जाते हैं, डिफरेंट किस्म की मतलब कि हेयर की बीमारियां आ गई, ये आ गई स्किन के बीमारियां, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं नेल्स के आ जाते हैं, ठीक है। स्पून शेप नेल्स आ जाते हैं, कर्वी नेल्स हो जाते हैं, रिजिड नेल्स हो जाते हैं, ब्रिटल नेल्स हो जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा फिर हम कहते हैं इसको कि रफ नेल्स हो जाते हैं, उसके अलावा फिर स्किनी नेल्स हो जाते हैं, उसके अलावा फिर क्या कहते हैं पेपर नेल्स हो जाते हैं, मतलब इस टाइप के नेल्स के भी इश्यूज, ठीक है। लोग आपके आपको ये नहीं बताएंगे कि जी मुझे ना कहते हैं स्पून शेप नेल्स का इश्यू है, लोग आके क्या बोलेंगे? या लोग आके आपको ये नहीं बोलेंगे कि मुझे ना लाइक स्केली हेयर का इश्यू है, ग्रे हेयर का इश्यू है। लोग आपको ये बोलेंगे कि यार जी बाल गिरते हैं, बाल खराब हैं, बालों का रंग उड़ता जा रहा है। मतलब आपने उन टर्मिनोलॉजीज को, देसी टर्मिनोलॉजीज को आप लोगों ने मेडिकल टर्मिनोलॉजी में अपने दिमाग से खुद ही कन्वर्ट करना है, राइट। आप ये ना सोचना कि लोग जिस हिसाब से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ लोग ये वाली टर्म आके बोलेंगे और आपने उनको वो वाली चीज उठानी है और वो वाली दे देनी है, ठीक है। मेरी स्किन पे ना फाइन लाइंस हो रही है, थोड़ी सी एक्ने हो रही है, ब्लेमिशेस आ रहे हैं हल्के से मुझे, यानी कि सन मार्क्स आ रहे हैं। उसके अलावा मुझे जो है हाइपर मेलानोमा हो रहा है, मतलब ऐसी बातें किसी बंदे ने भी नहीं बोली, ठीक है। उसके अलावा पास ट्रीटमेंट्स नेल्स के अंदर, उसके बाद आपका इसके बाद किस्म की लाइक कोई और किस्म का हेयर ट्रीटमेंट हो रहा है, और हेयर ट्रीटमेंट के अंदर आकर रोलर हो रहे हैं, आप ड्राई कर रहे हो बालों को बार बार, आप उनको लाइक स्ट्रेट कर रहे हो बालों को, ठीक है। ये सारे हेयर के अंदर आ गए, नेल्स के अंदर ये जो है स्किन के ऊपर आ गया, आपने कोई फेशियल करवा लिया, आपने कोई मतलब कुछ भी मतलब स्किन के ऊपर कोई काम करवा लिया। नेल्स के अंदर इसी तरीके से कि आप नेल्स को क्या करते हो, आप पॉलिश लगा लेते हो, आप नॉरिशमेंट प्रोवाइड नहीं कर रहे होते। अब इन तीनों चीजों की ना एक चीज कॉमन है कि इनके दो एंड्स हैं, एक वो जो दुनिया को नजर आता है, एक वो जो बॉडी के अंदर क्या होता है। इसका मतलब कि दो इनकी जो नॉरिशमेंट आ रही है ना वो बेसिकली इस पॉइंट से आती है, ठीक है। तो अल्टीमेटली दो किस्म के इशू हो सकते हैं, एक बाहर से इशू हो रहा है और एक अंदर की वजह से इशू हो रहा बाहर से और एक अंदर की वजह से इशू हो रहा है, ठीक है। ये वाले लोग प्रोवाइड करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हमने देना है इनको मैट्रिगोर्ड ऑन द, और इसके अंदर होगा Q10, कोएंजाइम Q10, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, हम इनको देंगे साथ बायोटिन सपोर्ट, इसके अंदर विटामिन बी 12 प्लस डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस की सीरीज होती है, ठीक है। उसके बाद फिर हम इन दोनों चीजों के साथ डिहाइड्रेशन अगर हो गई तो अल्टीमेटली B12 वगैरह तो गए, क्लियर हो रही है कि हम लोगों ने ना डिफरेंट किस्म के कॉम्बिनेशंस किस तरीके से बनाने डिफरेंट सप्लीमेंट्स वगैरह के लिए। हमने मैट्रिगोल्ड उसको रेफर कर दी, हम लोगों ने बायोटिन उसको रेफर कर दिया। उसके बाद फिर हम लोगों ने इसको क्या रेफर करना है, अब अल्टीमेटली यहां से हो गया कि उसके बीमारियां दूर हो रही हैं, यहाँ से उसको नॉरिशमेंट प्रोवाइड हो रही है। अब वो जो डैमेज हो चुका है, डैमेज कहाँ से रिपेयर होगा? सीराटोनिन, क्यों? इसके कौन सा वाला कंपोनेंट एक्टिव होगा यहाँ पे? जिंक, और रिजुविनेशन के लिए होगा कॉलेजन। बात क्लियर हो रही है कि यस सर, हम लोगों ने ये चीज देखनी होती है किसी भी किस्म के प्रिस्क्रिप्शन बनाते वक्त कि हम लोगों ने उसको हर किस्म की चीज प्रोवाइड करनी होती है डिफरेंट हिसाब से। मतलब मैक्टिकोड हम क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं उसको? क्योंकि उसने इस इश्यू को ट्रीट करना है, ठीक है, एल्कानिडिन कोएंजाइम पोटेंसी।
बायोटिन ने उसको मल्टीविटामिन सपोर्ट प्रोवाइड करने के दोबारा वो वाली बीमारी कम हो या मिनिमाइज हो जाए। और सीलेट होने क्या करना है, उसको रिपेयर भी करना है, उसका नॉरिश भी करना है, और उसको अल्टीमेटली कोलेजन वगैरह रिजुविनेशन वगैरह के लिए भी प्रोवाइड करना। क्लियर होती जा रही है चीजें? यस सर, लेकिन हम लोगों ने ये वाली चीजें उनको डायरेक्ट नहीं देनी, हमने किसी भी दुनिया के पेशेंट को डील करना स्टार्ट करना तो सबसे पहले हम लोगों ने उसकी क्या करवानी होती है, चिलेशन। क्यों? हर बंदे की बॉडी के अंदर रिसेप्टर साइट्स होते हैं। जब मैंने रिसेप्टर साइट दिया तो जो एल कार्निटिन का रिसेप्टर साइट है वो अगर इनएक्टिव है, Q10 का रिसेप्टर साइट इनएक्टिव है, B12 का या फिर B कॉम्प्लेक्स का रिसेप्टर साइट जो है वो इनएक्टिव है, या फिर जिंक का रिसेप्टर साइट या फिर किसी भी कोलेजन का रिसेप्टर साइट, यस हाँ जी तो क्वेश्चन है। ओके तो किसी भी किस्म का रिसेप्टर अगर इनएक्टिव हुआ है तो उस रिसेप्टर साइट को तो बॉडी को रिसेप्टर देने का कोई फायदा ही नहीं है। मतलब अगर एल कार्निटिन नहीं अब्सॉर्ब हो रहा तो ये तो खत्म हो गया, Q10 खत्म हो गया, बी कॉम्प्लेक्स खत्म हो गए, जिंक एंड कोलेजन वगैरह खत्म हो गए। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या करवाना कि अपने प्लान के अंदर एक छोटी सी करना होता है जो कि अपने हम एक दिन में 3 दफा बाहर से खाना खा के रिसेप्टर साइट्स को ब्लॉक करवाने का अपनी तरफ से कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे होते। अब क्या होता है, वो रिसेप्टर साइट जब क्लीन हो जाती है तो अल्टीमेटली रिसेप्टर क्या हो जाता है, गुड एज न्यू। अब अल्टीमेटली ये सब चीजें हम उसको दे रहे हैं, रिसेप्टर साइट्स इनको सेंस करना स्टार्ट कर देंगे, और अल्टीमेटली क्या होगा, तो ये सेंस करेगा तो ये एब्जॉर्बेंस वगैरह इसकी होल्ड करेगा, इसकी मतलब इसको बॉडी से अपटेक भी करेगा, एब्जॉर्ब भी करेगा, हर किसी को काम मतलब ये सपोर्ट करना स्टार्ट कर देगा। तो अल्टीमेटली हमने ये चीज देखी कि जब भी हमने बॉडी के अंदर बीमारियां देखना स्टार्ट करें तो हमने बीमारियों की रूट कॉज पकड़नी है। ठीक है, कल हम बेसिकली बात करेंगे कि रूट कॉज को हम लोग किस तरीके से बीमारियों की पकड़ सकते हैं, और रेदर देन हाउ विल वी ट्रीट द रूट कॉज ऑफ द पेशेंट। ठीक है, रूट कॉज को कैसे हम डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, रूट कॉज को कैसे हम पकड़ सकते हैं, और जनरल प्लान के अंदर जब हम लोगों ने किसी बंदे को जनरल एक प्रिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करनी होती है तो हम लोगों ने उसकी एटियोलॉजी के बिहाफ के ऊपर प्रिस्क्रिप्शन करनी होती ये चीज के अंदर इश्यू क्या आ सकता है, कौन सी ऐसी चीज है जो कि इसको खराब कर सकती है, ट्रिगर कर सकती है, किसी किस्म की नेगेटिव अफेक्ट इसके अंदर क्रिएट करवा सकती है, तो अल्टीमेटली क्या चीज हो सकती है, राइट। तो हम लोगों ने इन चीजों के लिए स्किन हेयर एंड नेल्स वगैरह को हम इन तरीकों से ट्रीट कर सकते हैं कि हम लोगों ने उसकी देखनी कि मैनेजमेंट पहले है, उसको रिपेयरिंग कैसे होगी, फिर हम लोग उसकी स्टेबिलिटी के लिए काम करें, फिर हम लोग उसकी जो रिपेयरमेंट होती है उसके लिए काम करना होता है। जहां तक जो आपकी प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग का पहला सेशन है उसके लिए किसी किस्म का कोई कंफ्यूजन है? नो सर, कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी किस्म का, क्योंकि आपसे प्रिस्क्रिप्शन राइट करना स्टार्ट करनी है ना आप लोगों ने, तो उसके लिए देखो आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड थोड़ा सा और टफ देखेंगे तो नो कंफ्यूजन, नो नो सर, क्वेश्चंस, क्लियर है। ओके। फिर कल इंशाल्लाह ताला हम देखेंगे कि किस तरीके से हम लोगों ने फंडामेंटल्स ऑफ किसी भी एटियोलॉजिकल प्रिंसिपल होता है उस तक कैसे जाना था, ताकि हम एक अफेक्टिव जो है ना प्रिस्क्रिप्शन राइट वगैरह कर सकें और हमारा पेशेंट को 100% अफेक्टिव रिजल्ट्स वगैरह आ सके, राइट। ये चीज आपको मार्केट से बिल्कुल डिफरेंट करेगी इंशाल्लाह। ठीक है फिर इंशाल्लाह कल करते हैं, सिर्फ उसके बाद बात। ओके देन।